सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, डिलीशियस फूड विद महज़बीन में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज की रेसिपी को मैं नहीं बना रही हूँ बल्कि मेरा जो सॉन है वो इसे कुक करेगा और वो ही आज पूरा मेथड आपको बताएगा कि क्या कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन डिलीशियस फूड विद महज़बीन। मेकिंग वेरी डिलीशियस रेसिपी, किड्स लव दिस रेसिपी। दिस रेसिपी मेक्स स्पेशल मसाला मैक्रोनी। लेट स्टार्ट द रेसिपी। थिंग्स वी नीड: 200 ग्राम पास्ता, 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, मिल्क सीड 1 टीस्पून, सॉल्ट, 1 बिग टोमेटो फाइनली चॉप्ड, 1 बिग ऑनियन फाइनली चॉप्ड, कैबेज, हाफ बाउल रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर लीफ 1 टेबल स्पून। फर्स्ट वी ऑन द फ्लेम एंड बॉइल्ड वाटर। यू कैन सी वाटर इज बॉइलिंग, देन वी एड सॉल्ट। आफ्टर एडिंग सॉल्ट वी एड मैक्रोनी एंड पुट इट ऑन फ्लेम एंड बॉइल द मैक्रोनी प्रॉपरली एंड वी एड 1 टेबल स्पून ऑयल। We boiling macaroni. Our macaroni is ready and we drain it. We will keep macaroni in chilled water for 5 minutes. We will keep pan on flame. Then add 2 tablespoon oil. When oil is heated, we add cumin seed. We add chopped onion and fry 1 minute. After 1 minute, we add chopped tomatoes. After 1 minute, we add cabbage and mix them properly. When our vegetable half cooked, we add garlic paste. We will add garlic paste and spices and mix all. We add 2 pinch of salt. Our vegetable is ready. We will add tomato sauce. We will add pasta and mix it. After mixing macaroni, we will add pasta masala. Masala gives very good taste to macaroni. We cooked our macaroni for 2 minutes and this is it. Special masala macaroni is ready. It's looking so nice. We will dish out our macaroni. You can see masala macaroni is looking so nice. तो आप सबने देखा कि स्पेशल मसाला मैक्रोनी तैयार हो गई है। आज इसे मैंने कुक नहीं किया है, आज स्पेशली इसे मेरे बेटे ने कुक किया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो इस रेसिपी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ये रेसिपी बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, आप ज़रूर अपने बच्चों के लिए ट्राई करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।